अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं 12 मई को बरास्ता काबुल अफगानिस्तान से सऊदी अरब में पहुँचा हूँ और मेरा जो सफ़र का एक्सपीरियंस था, जो सफ़रनामा है मेरा, मैंने सोचा तमाम भाइयों और दोस्तों से मैं वो शेयर कर दूँ ताकि जो रास्ते में जो मुश्किलात हैं, जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ाकार है, कैसे वीज़ा लेना है, कैसे टिकट लेना है और तमाम तर तफसीलात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को सफ़र में आसानी। सबसे पहले तो मुझे काफ़ी टाइम लगा ये सोचने में कि मैं बहरीन के रास्ते जाऊं, नेपाल के रास्ते जाऊं या अफगानिस्तान के रास्ते जाऊं। क्योंकि जब बंदा सफ़र नहीं करता तो उससे पहले तरह तरह के जो ना किस्से सुनने में आते हैं, और जो अफगानिस्तान का जो रास्ता है उसके लिए तो वैसे भी आपको पता है कि बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि वो सेफ़ नहीं है और रिश्तेदार घर वाले दोस्त यार वो भी नहीं मानते कि अफगानिस्तान के रास्ते बंदा जाए चूँकि सेफ़ नहीं है। पहले तो मैंने बहरीन का सोचा, फिर नेपाल का वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो गया, फिर मैंने जनाब अफगानिस्तान के बारे में डिसाइड किया कि मुझे अफगानिस्तान के रास्ते जाना चाहिए। तो मैं अफगानिस्तान एम्बेसी गया तो वहाँ जाके देखा कि 200-250 बंदा जो है ना बाहर लाइन पे लगा हुआ है, लेकिन जाना तो था इसलिए मैं भी नंबर पे लग गया और उस दिन मेरा नंबर नहीं आया। गालबन शायद 18 अप्रैल की बात है तो मेरा नंबर नहीं आया उस दिन। तो दूसरे दिन मेरा नंबर आया और दो दिन बाद मुझे वीज़ा मिल गया। वीज़ा लगने के बाद मैंने टिकट करवा लिया इस्लामाबाद से काबुल और काबुल से रियाद के लिए मैंने टिकट करवा लिया। टिकट के जो मुझे मेरे अखराजात थे वो मुझे 18,000 रुपये का टिकट पड़ा इस्लामाबाद से काबुल का और 42,000 का टिकट मुझे पड़ा अफगानिस्तान काबुल से रियाद के लिए। तो ये मुझे 60,000 का टोटल जो है ना पैकेज मुझे मिल गया। किसी एजेंट से मैंने वो नहीं किया, सिर्फ मैंने टिकट करवाया एजेंट से, बाकी तमाम प्रोसेस जो है ना वो मैंने खुद किया है। तो टिकट लेके फिर ट्रैवल से एक दिन पहले मैंने पीसीआर टेस्ट करवाया आईडीसी लेबॉरेटरी इस्लामाबाद से, मैंने 6,500 का मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और कोरोना टेस्ट करवाने के बाद मैंने ट्रैवल किया काबुल के लिए। तो चूँकि नया था वहाँ पर, काबुल की वाकफी तो मुझे नहीं थी, तो इसलिए मैंने काबुल एयरपोर्ट में उतरा और उतर के सबसे पहले मैंने 2-3 हज़ार पाकिस्तानी वो चेंज करवा के अफगानी करेंसी में ले लिए और एक सिम ले ली मैंने, रोशन नेटवर्क के अफगानिस्तान का वो सिम मैंने ले ली ताकि फैमिली से रब्ता हो सके। ये मैंने करेंसी चेंज करवा के सिम ली और वहाँ से टैक्सी पकड़ी। टैक्सी वाले 600 अफगानी लेते हैं और ज़्यादा पहुँच गया, ज़्यादा पे पहुंच गया, पश्तीनी बैंक है ज़्यादा में, पश्तीनी बैंक के पास में पहुंच गया और वहाँ पे मेरे एक दो दोस्त पहले से मौजूद थे तो उनके साथ में रूम में रहने लगा। तो अखराजात जो होटल के हैं वो बहुत ही सस्ते हैं होटल वहाँ पे, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह रहते हैं। बहरहाल डेली जो है ना आपके अखराजात 1,000 अफगानी इतना तकरीबन आपका हो जाता है अगर सिंगल बंदा रहता है, अगर आप शेयर करते हैं तो आपका 400-500 डेली का खर्चा है अफगानी। तो 18 दिन वहाँ पे रहा मैं, 18 दिन इसलिए रहा कि मुझे वो टिकट नहीं मिल रहे थे, टिकट नहीं मिला था ना 10-11 का 12 का मिला था, तो इसलिए 2-3 दिन मेरे ज़्यादा लग गए। तो वहाँ से जो है ना अफगानिस्तान जाने के बाद जिन लोगों ने बोला कि ये यहाँ पे ख़तरा है, ये है वो है, लेकिन हम पूरा दिन हम घूमते रहे, कोई ऐसा इशू नहीं था। अलबत्त रात को हम नहीं निकलते थे, स्नैचिंग के वाक़यात वहाँ पे होते हैं, चूँकि ज़ाहिर है गरीब मुल्क है और गुरबत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो मोबाइल वगैरह और आपके पर्स वो स्नैच कर लेते हैं। तो हम काफ़ी घूमे वहाँ पर, ज़हीरुद्दीन बाबर का जो मज़ार है वहाँ पर, कि बड़ी अच्छी तारीखी जगह है, बाबर गार्डन के नाम से वो मशहूर है और वहाँ पर ज़हीरुद्दीन बाबर का मज़ार भी है, वहाँ का हमने विज़िट किया। और उसके अलावा ओवरऑल हमने सिटी का विज़िट किया। दिन के वक्त आप विज़िट कर सकते हैं सिटी का, लेकिन रात को वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि रात को मामलात काफ़ी ख़राब होते हैं, वो
वहाँ पे नशोई लोग ज़्यादा हैं, हेरोइन पीने वाले, चरस पीने वाले, ये जो ड्रग्स वाले, वो सारे रातों को जो है ना रोडों पर निकलते हैं। इसलिए मगरब के बाद बाहर ना निकलें, लेकिन दिन को आप विज़िट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा है कि दिन को भी आप विज़िट ना करें बाहर, बस अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेके आप अपने रूम तक आ जाएं। तो 18 दिन पूरे हुए तो टेस्ट करवाया, PCR टेस्ट, ZNN एक लैब है, उस लैब से हमने कोरोना टेस्ट करवाया। 3500 रुपया उसकी टेस्ट की फ़ीस है, और वो कोरोना टेस्ट करवा के तो मैंने ट्रैवल किया। ट्रैवल के दौरान जब हम काबुल एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उन्होंने डेफिनेटली टिकट तो मस्ट है, टिकट के अलावा उन्होंने कोरोना टेस्ट सबसे पहले वो चेक किया, PCR टेस्ट, और आपकी जो एग्ज़िट री एंट्री पेपर है उसको चेक किया। ये तीन चीज़ें वहाँ पे चेक हो गई हैं। और उसके बाद हमने ट्रैवल किया। हमारी जो फ़्लाइट थी उसका टाइम 6:40 था, लेकिन किसी वजह से 2 घंटे लेट हो गई थी। 9 बजे वहाँ से फ़्लाइट हमारी निकली है, और 12 बजे तक 12:15 बजे रियाद एयरपोर्ट पर हमने लैंड किया। यहाँ पर उन्होंने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट देखी और उसकी डेट चेक की। हाँ, अलबत्त काबुल एयरपोर्ट पे वो आपके दिन काउंट करते हैं कि आपने अफगानिस्तान में इंट्री किस डेट को की और यहाँ से एग्ज़िट किस डेट को कर रहे हैं, और फिर वो दिन काउंट करते हैं। और सेम यही सिचुएशन यहाँ पे है, जब आप सऊदी अरब के किसी एयरपोर्ट पहुँचते हैं, मैं रियाद एयरपोर्ट पर पहुँचा हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने हमारी जो स्टैम्प थी वीज़े के ऊपर, वो स्टैम्प को उन्होंने चेक किया। तो स्टैम्प को चेक करके उन्होंने दिन काउंट किए कि इस कितने दिन उनके बनते, दिन काउंट करके उन्होंने एग्ज़िट की और सारी एंट्री की स्टैम्प लगा दी। एंट्री की स्टैम्प लगा के तो आगे एक और सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है, वो आपका पासपोर्ट दोबारा चेक करता है कि इसकी स्टैम्प एंट्री की लगी है और कितने दिन इसने गुजारे हैं, और उसके बाद बाहर आप आ जाएँ। बाहर आके अपना बैग कलेक्ट करें और आप फ्री हैं, और वहाँ से आपको आप अपनी लोकेशन में पहुँच के तवक्कलन का कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसा सच ऐसा ख़ास नहीं है, कोई इतनी सख्ती नहीं है। सिर्फ आप जब अपनी लोकेशन में पहुँचेंगे, आप पहले दिन डाउनलोड करते हैं या दूसरे दिन डाउनलोड करते हैं तवक्कलन, वो डाउनलोड करके तवक्कलन, तो आपने वहाँ पे लोकेशन एक्टिव करनी है। लोकेशन जब एक्टिव करेंगे तो फिर वो एप्लीकेशन आपकी लोकेशन ट्रेस करेगी। तो 7 दिन तक आपने जो लोकेशन आपने लगाई है, 7 दिन तक उस लोकेशन से आपने बाहर नहीं जाना, अगर बाहर जाएंगे तो आपको जुर्माना पड़ जाएगा। तो ये है कि 30 दिन आप 48 आवर जो है ना के बाद आप तवक्कलन से ही या सेहत एप्लीकेशन से आप वो अपॉइंटमेंट लेके तो कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। कोरोना टेस्ट करवाने के बाद आप जो है ना, आप अगर एप्लीकेशन परमिशन देती है तो आप बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो 7 दिन का वेट करें और 8वें दिन आप निकल के बाहर एक टेस्ट करवा लें कोरोना टेस्ट, और कोरोना टेस्ट के बाद जो है ना आप फ्री हैं और आप अपनी जॉब पे जा सकते हैं। तो यही तमाम डिटेल थी मेरे सफ़र की, पाकिस्तान से बरास्ते अफगानिस्तान सऊदी अरब में पहुँचा हूँ, और ये तमाम डिटेल थी। और अगर आप का कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स में सवाल आप कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स दूँगा। जजाकल्ला।